तो चलिए आइए अब हम लोग लेसन 24 पढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो लुक एट द फॉलोइंग, यहाँ पे सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फिर ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के संग जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के संग वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं एक घंटे से लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोग देख रहे थे, सम पीपल वर वॉचिंग। कुछ लोग बहुत देर से देख रहे थे, सम पीपल हैड बीन वॉचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। कई दिनों से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल डेज, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख पा रहे हो कि पहले ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में। तो आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। दाहिने ओर के हिंदी के वाक्य में लिख रहा था, खेल रहे थे, देख रहे थे इत्यादि के साथ साथ एक एक भूतकालिक समय सूचक शब्द एक घंटे से, सुबह से इत्यादि लगे हुए हैं। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उपयुक्त वर्ब के अर्थात हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी द्वारा होता है। किंतु वह चार दिनों से बीमार था का अनुवाद ही हैड बीन इल फॉर फोर डेज होगा। एडजेक्टिव यानी इल में आईएनजी कभी नहीं लगेगा, सिंग वर्ब में लगता है, आईएनजी जो है वो वर्ब में लगता है, एडजेक्टिव में नहीं। आइल का आइलिंग तो नहीं होगा, किंतु रन का रनिंग होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 24, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आइए स्टार्ट करते हैं। वह दो घंटे से बोल रहा था, ही हैड बीन स्पीकिंग फॉर टू आर्स। तुम शाम से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। सीता एक घंटे से लिख रही थी, सीता हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर। रमेश दो दिनों से बीमार था, रमेश हैड बीन इल फॉर टू डेज। कई घंटों से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। आगे देखिए, मैं 5 वर्षों से इसके लिए चेष्टा कर रहा था, आई हैड बीन ट्राइंग फॉर दिस फॉर 5 years। मोहन सुबह से दौड़ रहा था, मोहन हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखिए, तुम मार्च से किताब लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस मार्च।
हम लोग इसे बहुत देर से देख रहे थे. वी हैड बीन वॉचिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तुम्हारी माँ एक घंटे से गुनगुना रही थी, गाना सुन रही थी. तुम्हारी माँ एक घंटे से गाना सुन रही थी. योर मदर हैड बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स फॉर एन आवर. आगे देखिए. लड़के 2 घंटे से मैदान में गेंद खेल रहे थे. द बॉयज हैड बीन प्लेइंग बॉल इन द फॉर 2 आवर्स. मैं 10 दिनों से बीमार था. आई had been sick for 10 days. मैं 5 दिनों से चल रहा था. मैच 5 दिनों से चल रहा था. The match went had been going on for 5 days. ठीक है, तो इस तरह से ये होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में आप सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे.